दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्ट्रीट 24x7। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि एचपी पटवारी की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, तो मैंने फाइनली एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें साफ मैं बता रहा हूं कि रद्द नहीं होगी पटवारी भर्ती परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये पटवारी की परीक्षा रद्द नहीं होगी क्योंकि अमर उजाला का ये आर्टिकल है, बिल्कुल अपडेटेड आर्टिकल है, इसमें साफ लिखा है रद्द नहीं होगी पटवारी भर्ती परीक्षा, हंगामा करने वाले 6 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा जो हमने एचपी पटवारी के ऊपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लेना। मैं उसको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगा आपके लिए, आप वहां पे जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो हम अब डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हिमाचल में बीते रविवार को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। विवादों के बीच हुई इस परीक्षा को रद्द करने की चर्चा को सरकार ने खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, वो से यूट्यूब चैनल मैंने देखा है, वो बोल रहे हैं कि ये एचपी पटवारी की जो परीक्षा वो रद्द होगी। मैं सिरे से नकार रहा हूँ इस खबर को, क्योंकि साफ सरकार ने कह दिया है कि यह परीक्षा बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एचपी पुलिस कांस्टेबल का उन्होंने री एग्ज़ाम करवाया। री एग्ज़ाम करवाने में वैसे ही गवर्नमेंट का बहुत खर्चा हो जाता है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि इसमें एक जगह पर शिकायत हुई थी जिसका निपटारा कर दिया गया है। उधर पालमपुर के भवारना पुलिस थाने में 6 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धीरा परीक्षा केंद्र प्रबंधन ने उत्तर पत्रिका फाड़ने के आरोप में यह केस दर्ज कराया है। हंगामे की वजह से यहां परीक्षा प्रभावित हुई थी। डीएसपी पालमपुर अमित शर्मा ने कहा है कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय यह है कि प्रदेश भर में 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने 11,094 पदों के लिए यह परीक्षा दी थी। तो फ्रेंड्स, रविवार को जो है करीब 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो परीक्षा जो नहीं दे पाए थे। कांगड़ा जिला के धीरा के क्षेत्र में ही प्रश्न पत्र देरी से मिलने पर अभ्यर्थियों ने यहां तक कि आंसर शीट तक फाड़ दी थी। आपने बहुत से पंजाब केसरी का भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपने देखा होगा, बहुत से यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो आ रही थी बार बार कि ऐसे ऐसे करके स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में अपनी आंसर और क्वेश्चन बुकलेट को ही फाड़ दिया है। तो हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी से भी काफ़ी शिकायतें आई थी। तो फ्रेंड्स, किन वजहों से उठे हैं इस भर्ती पर सवाल, तो इसका बेसिक रीज़न क्या था। प्रदेश भर में आयोजित पटवारी की भर्ती परीक्षा सवालों के घेरे में है। करीब 100 स्टूडेंट्स परीक्षा ही नहीं दे पाए। कांगड़ा जिला के धीरा में निजी स्कूल में बने केंद्र के कमरे में प्रश्न पत्र देरी से मिलने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया था। तो क्या हुआ था, एग्जामिनेशन सेंटर में जो क्वेश्चन और आंसर बुकलेट थी बहुत लेट से मिली, जिसके कारण स्टूडेंट्स ने बहुत हंगामा कर दिया। ओएमआर शीट लेकर स्टूडेंट्स बाहर निकल गए और नारेबाजी करने लगे, यहां तक कि कुछ अभ्यर्थियों ने आंसर शीट तक फाड़ दी थी। माहौल बिगड़ता देखकर पुलिस फोर्स बुलाई गई थी। बाद में माहौल को शांत कर दिया गया था, लेकिन 50 से 60 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। उधर हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी से भी ऐसी ही न्यूज आई है। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस केंद्र की धरातल मंजिल में उम्मीदवारों को 11:30 बजे ओएमआर शीट मिली और 12:15 बजे तक प्रश्न पत्र ही नहीं दिए गए। तो ओएमआर शीट 11:30 बजे दी और 12:15 बजे तक तो प्रश्न पत्र ही नहीं दिए। उनका कहना था कि उनके 15 मिनट तक ऑलरेडी वेस्ट कर दिए गए थे। इसके अलावा धीरा के एसडीएम केंद्र में पहुंचे तो अभ्यर्थियों ने उनके सामने भी नारेबाजी की। तो फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम जो 11 बजे से 12:30 बजे तक होना था, तो उनमें बोला गया कि 11:30 बजे ओएमआर शीट मिली और 12:15 बजे तो हमने क्वेश्चन बुकलेट ही दी गई, जहां से हम क्वेश्चन से आंसर को ऑब्टेन करते हैं। तो बहुत लेट करवाया गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग की थी। जो परीक्षा के जो केंद्र अधीक्षक थे, जो इंस्ट्रक्टर थे बलविंदर सिंह, उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र वितरित करने में देरी तो हुई थी। जब प्रश्न पत्र बांटे गए तो कुछ अभ्यर्थी हल्ला करने लगे। तो उन्होंने यहाँ तक कि ये भी कहा है कि हमने अगर लेट टाइम लिया है तो हम थोड़ा सा उनको, जितना हमने टाइम शुरू में लेट लिया, हम उनको एक्स्ट्रा टाइम देते, बट हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। उनके तरफ से ये कहा गया है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एरला की जगह अरला लिखा गया था, जिसकी वजह से भी 40 स्टूडेंट्स के राउंड एग्जाम नहीं दे पाए। आपने देखा होगा, अगर आप जैसे कि ऊना में रहते हो तो क्या था कि सेंटर बिल्कुल पास पास है, आपको पता चला कि स्कूल में मेरा सेंटर नहीं है तो पास वाले स्कूल में होगा, आप जा सकते हैं। बट हर जगह पे पहुंच पाना इतना पॉसिबल नहीं हो सकता, हम मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जियोग्राफिकल टेरेंस रहते हैं। तो राजस्व विभाग की गलती पर पटवारी परीक्षा लिखित परीक्षा देने वाले 60-40 अभ्यर्थियों पर यह भारी पड़ी थी। तो फ्रेंड्स, एरला को राजस्व विभाग ने नगरोटा बगवा उपमंडल के राजकीय वृक्ष मंडल पाठशाला एरला को 64 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्र बनाया था, लेकिन 40 को जो रोल नंबर जारी किया गया था उसमें परीक्षा का नाम
GMS अरला लिखा था, तो एरला की जगह उन्होंने अरला लिख दिया। अरला पालमपुर उपमंडल में एक हाई स्कूल है, 40 अभ्यर्थी वहां परीक्षा देने पहुंच गए, जबकि अरला स्कूल में परीक्षा केंद्र था ही नहीं, इसलिए उन्हें बिना परीक्षा दिए लौटना पड़ा। उधर एरला स्कूल में 64 में से 24 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने गए। तो एसडीएम नगरोटा भगवान शशिपाल नेगी ने कहा कि परीक्षा केंद्र राजस्व विभाग ने आवंटित की हैं, इस बारे में रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को ऑलरेडी भेज दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये सारी न्यूज़ को मैंने आप सभी को बता दिया है, तो बिल्कुल भी आप इस ट्रैप में ना आए कि ये एचपी पटवारी की परीक्षा रद्द होगी। साफ गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये रद्द नहीं होगी पटवारी भर्ती की परीक्षा, और जिन्होंने स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे हल्ला किया या शोर मचाया है तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। सो फ्रेंड्स, आप अभी अपना जो भी आपका आंसर्स बन रहे हैं आप कमेंट करके बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं जो भी हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है उसको भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगे, कोई माइंड में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताना, हम डेफिनेटली उसको इस क्वेश्चन को आपके रिजोल्व करेंगे और साथ का साथ आपको कमेंट करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, आपने जितना अपनी तरफ से मैक्सिमम दिया आप उस टाइम को और उस एफर्ट्स को यूटिलाइज करते रहें, और आगे वाले आने वाले एग्जाम्स लाइक HP एलाइड HP AS की भी तैयारी करते रहें। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बोला है जो भी ग्रुप ग्रेड सी और ग्रेड डी में, जो ग्रुप सी ग्रुप डी में जो भी वैकेंसीज आती हैं उनमें जो भी हिमाचल के बाहर के लोग हैं, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, वो उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि जो टेंथ है वो HP गवर्नमेंट के ही किसी स्कूल के ही होनी चाहिए। तो ये भी अच्छी खबर है, जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर ग्रुप सी ग्रुप डी, क्योंकि इनमें बेसिकली 8th to 10th और 10th to 12th वाले ही एग्जाम्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, की प्रिपेयरिंग, अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी रखें। मैं आशा करता हूँ आप सभी जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब अटेन कर ले, और आपने जिन स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है उन सभी का पटवारी एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है कि एक गवर्नमेंट जॉब की कितनी वैल्यू रहती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम अस फॉर दिस अपडेट। अगर फिर भी कोई अपडेट आती है तो हम अपने चैनल पे सबसे पहले शेयर करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।